अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे किचन में डल रहा है अचार नसोणों का और केरी का अचार। मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी क्योंकि वो गलने में टाइम लेता है, तो मैं दिखाऊंगी। लेकिन वो अचार प्रॉपर बनने के बाद मैं फिर दूसरी कभी किसी वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगी, लेकिन उसकी रेसिपी मैं दे देती हूँ आपको। तो चलें बनाते हैं और डालते हैं अचार। और ये मेरी मम्मा डालती हैं अचार, और बहुत सारा डालती हैं और पूरे साल का डालती हैं। तो हम लोग होममेड अचार खाते हैं, तो चलें रेसिपी देखते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलें बनाते हैं अचार और मज़े लेते हैं पूरे साल। चलें, जी तो हम आ गए थे किचन में और ये हमने 1 किलो नसोड़े ले लिए थे और इसके जो डंठल होंगे, जो जैसे मिर्चों के जो डंठल होता है, हम निकाल के उसको सालन में डालते हैं। उसी तरीके से हमने किसी नसोड़े के डंठल रहने देने हैं, ज़बरदस्ती नहीं करनी है नसोड़ों के साथ। और बाकी सबके कोशिश करें कि निकल जाएं। और फिर हमने धो के ये बॉईल कर लेने हैं। अब ये हमने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। अब देखें इसका कलर चेंज हो गया है और ये थोड़े से गल जाएंगे, तो हम इसे उतार लेंगे। अब ये जो ऑयल है, ये हमने 1 केजी लिया था, तो इसे भी हमने बॉईल कर लेना है। इस टेम्परेचर पे बॉईल करना है कि ये देखें थोड़े थोड़े से बबल्स बनने लग गए थे और ये अब नसोड़े जो थे वो गल गए थे और सही से बॉईल हो गए थे। तो हमने इसे स्ट्रेन कर लेना है, जैसे कि आम राइस को हम स्ट्रेन करते हैं या स्पैगेटीज या मैक्रोनी जैसे स्ट्रेन करते हैं, वैसे स्ट्रेन कर लेने हैं। और फिर एक कोई कपड़ा ले लेना है, आपने साफ सा कपड़ा ले लें और उसको सुखा लें। अब ये 1 बाउल हमने लाल मिर्ची ले ली हैं, 1 बाउल हमने जीरा ले लेना है और ये 1 बाउल हमने सौंफ ले लेनी है, ये कलौंजी ले लेनी है हमने 1 बाउल, और ये राई भी हमने ले लेनी है। ये 4 टेबल स्पून ली थी ये, क्योंकि ज़्यादा कड़वा कर देती है तो इसलिए थोड़ा सा कम ही लीजिएगा। और ये भी हमने 4 to 6 टेबल स्पून हमने मेथी दाना ले लेना है। और ये नमक और हल्दी का हम मिक्सचर बना लेंगे। सारी जो इंग्रेडिएंट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें तो बहुत मज़ा आता है और बहुत मज़े का बनता है ये अचार। अब ये 1 पैकेट हमने ले लिया है नमक, और हल्दी ले लेनी है हमने 1 बाउल। जितनी मिर्चें ली थी हमने, जिस प्याले में हमने मिर्चें ली थी उसी प्याले से हमने नाप के ये हल्दी ले लेनी है। और अब नसोड़े में हमने ये मिक्सचर मिला लिया था नमक और हल्दी वाला, उसको लगा लिया था। और अब ये जो सौंफ और ये हरी मिर्चें वगैरह मैंने आपको दिखाई थी, उसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। जो ऑयल हमने गरम किया था उसी से ये मिक्सचर बना लिया है। सौंफ, फ्राई हुई और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स अभी मैंने आपको दिखाए थे, तो वो 1 बाउल में डाल के हमने, और देखें ये तैयार है।
बाउल में डाल के हमने ऑयल में मिक्स करके पेस्ट टाइप बना लेना है। उसके बाद हमने ये मिला के और ये सर्व कर लेना है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।